नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ नाइन नेटवर्क और मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ के मेहता पार्क में। और हमारे बाजू में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, नाम इनका निशा पांडे है और एक आर्टिस्ट है। आज हम बात करेंगे अब तक का इनका कैसा सफ़र रहा और इस फील्ड में आने के बाद किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ा और आगे की क्या प्लानिंग है और कब से इस फील्ड में मेहनत कर रही हैं और अब तक इनकी इनको क्या कामयाबी मिली है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि वायरल कलाकारों का इंटरव्यू करना तो बहुत, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लोग करते हैं और हम ऐसे कलाकारों को भी प्लेटफॉर्म देते हैं जो कलाकार वायरल ना हो लेकिन उनके अंदर प्रतिभा हो सकता है कि हमारे एक छोटा सा प्रयास इनके उज्ज्वल को, इनके भविष्य को उज्ज्वल कर सकता है और एक अच्छा खासा मुकाम ये हासिल कर सकती हैं। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ नाइन नेटवर्क चैनल में आपका। प्रणाम सबसे पहले सभी दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को और मेरे भोजपुरी समाज को जी। सबसे पहले प्रणाम जी, हर हर महादेव जी। निशा जी, आपका नाम निशा ही पांडे है ना जी? मैं सही हूँ ना जी? कहाँ की रहने वाली है निशा जी? मैं जौनपुर जिले की रहने वाली हूँ। जौनपुर की रहने वाली हैं, तो यहाँ आजमगढ़ कैसे? आजमगढ़ ऐसे बस काम करते करते यहाँ रूम लेके रही और रहते रहते लगभग 8 साल हो गया हमको। 8 साल हो गया। तो पढ़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो कहाँ तक अभी आपकी पढ़ाई हुई है? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट कंप्लीट है। और इस फील्ड में कितने दिनों से आप काम कर रही हैं? काम हो गया 10 साल हो गया। 10 साल से काम कर रही हैं। तो क्या क्या, जैसे स्टेज प्रोग्राम या फिर किसी एल्बम में? एल्बम हमने बहुत 8-10 एल्बम किया है और स्टेज शो बहुत, शुरू से स्टेज शो ही। अच्छा अच्छा, तो घर का सपोर्ट क्या होता है इस फील्ड में? कभी आने के बाद ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं घर वाले सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसा क्या मन में ख्याल आया कि मुझे एक कलाकार बनना है? और बहुत सारी मजबूरियाँ थी, जैसे में कि छोटे छोटे भाई बहन थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनका चलने का कोई स्थिति, मेरे बहुत ज़्यादा स्थिति डाउन थी, मेरे पापा चल नहीं सकते थे और मेरी मम्मी थी, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, बड़ी सिस्टर थी, उनकी शादी हो गई थी, उनके बाद मैं थी और घर का स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। अच्छा, कह नहीं सकती कि कितना डाउन हो गया, कि मेरे घर में मेरे पापा को दवा नहीं होता था और घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि, बहाने से किसी ने लाया कि शूटिंग का काम है और एल्बम शूटिंग का काम है, किसी ने बताया नहीं कि स्टेज शो करना है और पता भी नहीं था बहुत, तब 10 साल पहले कितनी छोटी थी, एज भी कम थी, पता नहीं था। क्या उस वक्त एज रही होगी? लगभग 15-16 साल। पढ़ाई लिखाई का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, बहुत भाई बहन का, घर का खर्चा, तो उसने लाया इस लाइन में। फिर हमको पैसा 2-4 शो किए, बाद में पता चला कि स्टेज शो है, शूटिंग नहीं है, और फिर हम घर पे पैसा दिए तो बहाना करके घर पे पैसा दिए कि घर में माँ से बोले कि हम मेरी फ्रेंड की माँ दी हैं, ऐसे करके झूठ बोल के फिर इधर उधर जाने लगे। फिर माँ को पता चला कि तुम ये सब काम कर रही हो, हमने बताया कि हम डांस कर रहे हैं, तो माँ को बहुत बुरा लगा, माँ बात करना बंद कर दी। पापा को नहीं पता चला, पापा को नहीं बताई, भाई छोटा था और छोटी बहन थी, अभी हैं, उनकी शादी नहीं हुई, भाई की शादी हो गई है। और फिर माँ बोली कि हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, मेरे घर पे आना जाना बंद कर दो। फिर धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन जाते रहे, लोगों से पैसा भेजते रहे, पापा की दवा चलती रही और इस लाइन में काम करते करते बहुत दिन हो गए, फिर पापा भी नहीं रहे। अफसोस है इस बात का, लेकिन मेहनत आप कर रही हैं, कोई गलत काम नहीं है। क्या उम्मीदें हैं आगे कि, मतलब अभी पापा को एक्सपायर किए कितने दिन हो गया लगभग? पापा लॉकडाउन में एक्सपायर हो गया, 2 साल हो गया, 2021 में फरवरी। क्या मजबूरियाँ रही जिससे कि उनका समय से इलाज नहीं हो पाया या फिर कुछ? पैसे कम पड़ गए मेरे पास, फिर भी जितना था हमारे पास हम अपने पापा को, हम अभाग्य है मेरा कि हम एक बेटी हो के अपने बाप को 5 साल, एक किडनी डैमेज हो गया था, फेफड़ा, इन सब डैमेज होने के बाद भी हम 5 साल अपने पापा को अपने पैसे के दम पे हम जिंदा, पिता कहते थे बस इतना था कि मेरे पिता हैं,
हम अपने पापा को जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी बात है मेरे का, उनका साया उठने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा। भाई आपके कोई भाई है, क्या करते हैं वो ये बिल्डिंग का काम करता है। छोटा है या आपसे बड़ी है? छोटा है, बहन से भी छोटा है। कितनी बहन है आप लोग? हम 3 सिस्टर हैं और भाई? भाई एक तो वो आजकल बिल्डिंग का काम करते हैं। हाँ बिल्डिंग का काम। शादी उनकी हो चुकी है? शादी हो गई है। और आपकी शादी के बारे में बात की जाए तो? ना करिए। चलिए, तो पापा नहीं रहे और भाई छोटा बिल्डिंग करता है, और अभी फिलहाल घर से बातचीत होती है आपकी? हाँ बातचीत होती है, जब से जब पापा पापा की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो घर पे आना जाना हुआ, बातचीत हुआ, बातचीत होती है, माँ से होती है, बहन से, भाई से, सबसे होती है, अब होती है। अभी कोई विरोध नहीं करते हैं लोग? विरोध माँ का है अभी है, तो घर जाती हैं तो उस तरीके से बात नहीं होती है जो पहले होती थी? बात करती हैं लेकिन बोलते हैं कि ये फील्ड गलत है। गलत उनके दिमाग में है कि फील्ड गलत है, हालांकि ये कोई गांव गांव में रही गांव हैं गांव में और रही हैं। उनका जो लोग मतलब बहुत सारे ऐसे गंदगी बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं लड़कियों के बारे में कहूँगी, सिर्फ पब्लिक ही गंदी है, कहीं ना कहीं लड़कियाँ भी बहुत गंदगी इस फैला दे फील्ड में रही जो हैं। जो काम कर रहे बाहर हैं, से लड़कियाँ आ रही हैं, हमारे लोकल की लड़कियाँ ऐसा नहीं कर रही हैं, बाहर की लड़कियाँ आ रही हैं, उनका यहाँ कोई जैसे जानकर, बंगाल वगैरह से? बंगाल से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, उनका वो यहाँ कोई देखने वाला जानने वाला है नहीं, है नहीं। वो किसी भी तरीके से ड्रेस पहन रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, कुछ भी स्मोकिंग कर रही हैं, तो वो चीज़ हम पे ज़्यादा भारी पड़ता खुलेआम है। स्टेजों पर देखा गया है कि वो लोग अर्धनग्न प्रदर्शन भी करती हैं, पूरे वही वही करती शरीर की हैं, दिखावट तो करती हैं वो लोग। उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोगों का भी, हम लोग लोग उसी भी नज़र से देखते हैं जिस उसी तरह से नज़र उस से देखते हैं, जैसे ये वो भी लोग लड़की है इस फील्ड में काम कर रही है तो सेम भी चीज़ है, हाँ तो इसी 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 को ले, यानी कि बाहरी लड़कियों का ज़्यादा मतलब बुरा असर बाहर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। हाँ हम ये चुप, नहीं कहेंगे कि सिर्फ पब्लिक बंदी है, होती है भाई, अब कोई वहाँ ड्रिंक करके बैठा है, सबका सोच एक जैसा नहीं होता है, बहुत समझने वाले भी लोग वहाँ बैठे होते हैं, हमको कुछ नहीं बोलते हैं, गंदा कमेंट नहीं करते हैं, गंदे तरीके से बात कुछ मतलब कुछ नहीं बोलते हैं, और बहुत लोग होते हैं कि सारे लोग बहुत गंदा गंदे कमेंट करते हैं, गालियाँ बकते हैं, उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या करेंगे, पब्लिक के मुंह नहीं लग सकते हैं ना, पब्लिक के मुंह तो हम कब तक लगेंगे, पब्लिक के मुंह लगते चले तो हम काम बंद कर दें, तो काम बंद कर दिए तो हम अब इतना तो वो नहीं है कि हम सब कुछ हो गया है रख लिए हैं या कुछ भी ऐसा है बन गया है मेरा कि इस फील्ड को छोड़ दें हम, अब ऐसा नहीं। मतलब ये अब एक तरह से आपका प्रोफेशन बन गया है काम करना इस फील्ड में, या मजबूरी कहा जाए या फिर प्रोफेशन कहा मजबूरी जाए, है मेरी, मजबूरी आपकी है। बहुत सारी मजबूरी है। अभी किस किस कलाकारों के साथ, ऐसा कोई कलाकार का ऑफर आया जो आप बड़े 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 कलाकार के साथ आपने कभी काम किया हो, या स्टेज हाँ शो हो या स्टेज फिर शो कोई किए एल्बम हैं हो? खेसारी जैसे जी के जैसे साथ किए हैं, अच्छा खेसारी जी के अभी साथ, हाल ही में अमित उपाध्याय के साथ किए, बिहार गए थे, एल्बम खेसारी जी के साथ जो आपने काम किया था वो कौन सा आपको एल्बम रहा हो कुछ उसका नाम? नहीं था सर, स्टेज शो है, अच्छा काजल स्टेज राघवानी के शो, साथ काम किए हैं, अच्छा। मेरी सारी बहुत सारी फ्रेंड थी, छाया विश्वकर्मा थी, चांदनी जी थी और चांदनी यादव और मुस्कान जी थी और मैं थी, इनका स्टेज शो की खेसारी जी का कहाँ कहाँ चली जाती हैं? दूर दूर जाना होता है, जैसे मैं जैसे मैं बिहार हो गया, अभी कोलकाता गई थी, और बाहर जाना होता है, लोकल सिर्फ लोकल में नहीं करते हैं, आजमगढ़ में भी काम करते हैं, बाहर भी जाते हैं काम करने के लिए। तो, या कोई पार्टी फिक्स होती है कि आप किसी पार्टी के साथ ही काम करती हैं या फिर नहीं किसी के साथ भी आप जा सकते हैं? फिक्स, बस वो जिम्मेदारी से ले जाए, जिम्मेदारी से हमारे यहाँ हमको पहुँचाएँ और हमारा समय से हमारा पेमेंट कर दे, ये होता है। देखिए सैलरी और पेमेंट के बारे में तो हम लोग खुल के ओपनली बात नहीं करते हैं कि क्या मिलता है, कुछ ऐसे अंदाज बताइए जिससे कि क्या जो पैसे मिलते हैं उससे आपके जो एक नॉर्मल ज़िंदगी आप जी रही हैं या फिर एक लग्जरी लाइफ जीने की भी के लिए भी पैसे मिल जाते हैं, तो इसके बारे में क्या आप बताएंगे कि क्या जो जो भी आपको पैसे मिलते हैं कितना मिलते हैं, ये तो सवाल नहीं है और ये हम आप बताएंगे भी नहीं, लेकिन जो मिलते हैं क्या उसमें आप खुश हैं, हाँ खुश है, चल जाता है, जो कोई हाँ चल जाता है। प्रॉब्लम नहीं आती है? स्टेज प्रोग्राम के दौरान बहुत से ऐसे समस्याएं होती हैं जिनको फेस करना होता है, कभी ऐसा हुआ आपके साथ जो अभी मतलब पब्लिक के कमेंट मध्य कमेंट को बहुत फेस ज़्यादा करना होता होता है? है, जैसे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगी पब्लिक को कि हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोगों के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना किया जाए, आप हम भी किसी के घर की बहन बेटी हैं,
और गलत नहीं है, बस सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है। कोई शौक से आपके सामने डांस नहीं करने आता है, ना किसी का ये शौक है, ना ये हमारा तो नहीं है। हमारी मजबूरियां और हमारे साथ जितने लोग काम करती हैं सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। हम चार पांच हमारे साथ हम फ्रेंड हैं सब लोग, जैसे छाया विश्वकर्मा हो गई और चांदनी यादव हो गई, मुस्कान जी हो गई, ये हम चार पांच लोगों की बहुत सारी मजबूरियां हैं। हम लोग काम करते हैं और हम लोगों का वो नहीं है कि पेशा नहीं है, खानदान ही नहीं है हम लोग की, चलो आप कुछ भी बोलोगे हम बर्दाश्त करेंगे। इतना हद तक हम पब्लिक से यही विनती करेंगे कि आप लोग ऐसा ना करें। हम लोग बाहर से नहीं, हम लोग भी आपके लोकल से ही हैं, आप लोग ऐसा ना करें। पब्लिक उस वक्त नहीं समझ रही होगी कि आप लोकल से हैं, कहाँ से हैं। हाँ, तो लोग बाहरी, जो आपने अभी बताया कि बाहरी लड़कियां आकर के यहाँ पे ज्यादा वो मतलब कचरा फैला दी हैं, किस तरीके से बाहरी लड़कियों का यहाँ पे बिहेव होता है, कुछ उसके बारे में जानकारियां हैं जैसे कि बता सकती हैं कि वो लड़कियां को, उन लड़कियों का ऐसा ना करना चाहिए, जैसे में कुछ ऐसे उनके माइनस पॉइंट करना चाहिए, लेकिन वो लोग करती हैं तब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, बोलने उन लोगों के मुंह लगने के बाद फिर अपना इमेज डाउन होता है ना, तुम लोग कौन सी बड़ी ये हो वो हो, ऐसे करके बात करती हैं। तो उनके मुंह लगना कि तुम जो कर रही हो वही करो, हम अपना अपने सेफ हैं बस, इतना समझ। ऐसा वो लोग क्यों करती हैं कुछ? अब उनका वहाँ ऐसा असर, यहाँ देखिए उनका कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं होता है, और ना उनका यहाँ गांव होता है, ना उनका यहाँ फैमिली होता है, ना उनको कोई सोच उनको डांटने वाला होता है, तो वो अपना खुला रहती हैं, कुछ भी करती हैं। लेकिन हम यही चाहेंगे कि वो लोग भी ऐसा ना करें, तो ये गलत काम है ये अंग प्रदर्शन करना। अरे मेहनत कर रहे हैं हम, कला बेच सकते हैं, ये थोड़ी ना है कि पूरा हम अपने आप को पूरा दिखाई दे, ऐसा नहीं हो सकता है। सोच समझ रखना चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो जिन जिनके साथ वो काम करती हैं, जिस कोई भी एक आप लोगों का गार्जियन होता होगा जो जहाँ लेके जाता होगा, चाहे कोई भी हो, ऑर्गेनाइजर तो हाँ ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो लोग उनको मना नहीं करते हैं क्या, या फिर उनको बहुत भी? सारे ऑर्गेनाइजर भी ऐसे हैं कि उनको वही अच्छा लगता है, करवाते हैं पब्लिक, पब्लिक जो डिमांड करती है तो वो लड़कियां करती हैं। हाँ वो लड़कियां करती और हैं और उनको उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं उनको, जैसे कि अब वो जितने में लिख लिए हैं अब उससे ज़्यादा उनको पब्लिक के द्वारा पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिल गए तो वो बाहर की लड़कियां हैं वो उनसे करवाती हैं। वो क्या कर रही हैं, वो किस तरीके से शो कर रही हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं होता। हालांकि क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि उनको भी इस बात पे इस पे रोकना चाहिए? मैं आप बोली ना, मैं यही चाहती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर की लड़कियाँ ला रहे हैं, ये सब कर रही हैं बाहर की लड़कियाँ, हम यही चाहेंगे कि बाहर की लड़कियाँ लाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, नहीं आएंगी तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप लोगों से कि ये जो ऐसा ड्रेस पहनती हैं, ऐसे मंच पर भद्दगी करती हैं और पब्लिक के सामने, हम लड़की हैं, हमारे लिए स्मोकिंग या ड्रिंक्स नहीं बना हुआ है, ये हमारी हमारी सोच है कि हम इसको कर रहे हैं। लेकिन निशा जी एक बात कही जाती है कि अगर लड़कियां इस तरीके से अगर प्रदर्शन ना करें तो फिर उनका क्रेज घट जाता है, खास करके भोजपुरी में जैसे अश्लील गानों की बातें आती हैं, तो क्या ये कहाँ तक इस बात को मानती हैं कि नहीं, अगर जो लड़की बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बहन जी बन करके रहेंगी इस फील्ड में तो कोई पूछने वाला नहीं है, उसमें मॉडल बनना जरूरी होता है, क्या अभी तक सही तक है? मैं आजमगढ़ में जब से आई हूँ मुझे 8 साल हो गया, बहुत लोग हमको दीदी बोलते हैं, तो बहन जी तो हमको बोलते ही है ना, ऐसा हमारे साथ कोई अभद्र काम नहीं होता है, जैसे कि कोई अभद्र भाषा नहीं यूज होती है हमारे साथ के लोग जो हैं, कभी कुछ नहीं। जैसे कि मंच पे अगर दो चार लोग चढ़ गए तो हमको वहाँ उतार दिया जाता है कि निशा दीदी आप अंदर आ जाओ, ऐसा होता है हमारे साथ। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम दीदी बन के काम ना करो आप, लेकिन थोड़ा लिमिट में रह के लिमिट में रह के काम करो। गाने हैं, पब्लिक है जो डिमांड कर रही है, आप उसको जो आप ये गंदे इशारे करते हैं पब्लिक और साथ साथ आप भी करते हो उसे ना करो। पब्लिक कर रही है तो आप उसके सामने हाथ जोड़ सकते, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा चीज़ है दुनिया में अगर माना जाए तो, ये सबसे बड़ा चीज़ है, हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे 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 कंडीशन में तो मुझे लगता है कि फिर जो आपके ऑर्गेनाइजर होते हैं वो भी शिकायत करते होंगे कि आप जब पब्लिक को खुश नहीं कर सकती हो तो फिर हमारे साथ काम ना करो, ऐसा बहुत सारे लोग हैं ऐसा करते हैं सर, बहुत सारे, हम किसी का नाम नहीं ले पाएंगे, बहुत सारे ऐसा लोग हैं, हम किसी का बुराई नहीं कर पाएंगे, यही नहीं है आजमगढ़ में ही नहीं है, हर जगह की बात है।
अगर लड़की मॉडल कपड़े पहन रही है तो उसकी उसकी चॉइस पहले होती है कि भाई पहले ये, चॉइस हाँ होती तुम पहले काम करने जाओ, पहले चॉइस लेकिन होती सलवार सूट अगर पहन करके वो कर रही है तो उससे कोई है, लहंगा मतलब पहन नहीं के है। कर रही है, सलवार सूट पहन के कर रही है, तो उससे कोई चॉइस नहीं है। अब पब्लिक के सामने जाए जो पब्लिक कर रही है, अगर उसको वो भी कर रही है तो उसका डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसके उसके डिमांड ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा डिमांड होती है। अभी निशा जी इसके बारे में बात की जाए तो आगे की क्या प्लानिंग है? अभी ये फील्ड आपका, मतलब मैं जैसे पहले भी बात कर चुका हूँ, ये इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है या फिर बैक हो जाना है? सोच तो यही है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। क्या आप क्या उम्मीदें हैं? आ तो गए हैं तो फिर लौट के कहाँ जाएंगे? कहते हैं कि ऐसा फील्ड होता है जिसमें एक बार आ जाने के बाद फिर वापस कोई ग्लैमर की दुनिया होती है, जो आगे सिर्फ आने का रास्ता होता है, जाने का रास्ता नहीं होता है। अब आ तो गए हैं तो फिर पीछे मुड़ के जाने के बाद भी तो वही नाम होगा, नाम तो वही रहेगा। नाम तो वही रहेगा, नाम तो नहीं हटने वाला है ना। नाम तो जो अब पब्लिक जो जहाँ मोहर मार देती है तो फिर वो तो वही है, वही आप चलता कहीं भी है, रहेंगी तो वही फेस वही करना होगा, वही फेस ये करना होगा। आर्केस्ट्रा या तो वाली है। फिर इसको हमें छोड़ ही देना होगा, इस 2-4 जिलों को छोड़ देना पड़ेगा किसी कि यहाँ दूसरे से स्टेट में जा करके दूसरे स्टेट में जाके जॉब, अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करना कभी ऐसा पड़ेगा। नहीं हुआ कि ख्याल आया कि जब इस फील्ड में मम्मी घर से भी विरोध कर रही हैं और कभी आपको सामने वाले को इस तमाम समस्याओं को फेस करना होता है स्टेज प्रोग्राम के दौरान, तो कभी ऐसा मन में नहीं आया कि यार इसको छोड़ करके हम कोई एक अच्छी खासी किसी कंपनी में जाएं, छोटी मोटी जॉब पकड़ लें और अपने जीवन को जिया जाए, ऐसा कभी मन नहीं स्थिति आया? वो थी सर ना मेरे घर की, कि हम उस माहौल में वो स्थिति देखी है ना, कि हम शायद शेयर नहीं कर सकते। हमारे घर में उस टाइम मेरे पापा की दवा की तो छोड़ी, मेरे घर में नमक मिर्चा नहीं था कि हम नमक मिर्चा हम अपने भाई बहनों को खा खा लें, नमक और पानी पी के सुला दें, या फिर मतलब हालत बहुत नाजुक थी। अभी उस स्थिति से गुजरे कि हम कुछ बोल नहीं सकते। बड़ा मुश्किल सा जीवन था इनका, और जिस जिस तरीके से ये बात कर रही हैं, सही बात है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो शौक के लिए करती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो मजबूरी के लिए करती हैं। जैसा कि आप निशा जी को देख सकते हैं, इनके घर में उस तरीके की कंडीशन नहीं थी कि आसानी से इनका घर परिवार चले और दो रोटी चैन से खाने को मिले, और ऐसी ऐसी समस्याओं को इन्होंने फेस किया है। तो हर लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं, बहुत सी ऐसी मजबूरियाँ भी होती हैं जो इस फील्ड में लाने का काम करती हैं, है ना? कितनी आपके साथ जो लड़कियाँ काम करती हैं उसमें से कितने प्रतिशत, जैसे अगर अगर आपके साथ 100 या 200 लड़कियाँ काम जिनको जानती हो, तो इसमें कितने प्रतिशत ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो शौक से ले करती हैं और कितनी ऐसी होती हैं जो मजबूरियाँ में करती हैं? कुछ जानकारी होगी, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लड़कियाँ होंगी। 90% मजबूरी में काम कर रही हैं, सर 90% मजबूरी में काम करती हैं मजबूरी में काम और 10% जो है वो शौक से काम करती हैं, और वही 10% में जिसे लगता है, मुझे लग रहा है कि बाहरी लड़कियां होंगी। बाहर लड़की हमारे इधर के, हम जिनका जिनका नाम लिए हमारे साथ काम करती हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, वो सब मजबूरी में काम कर रही हैं। सब पढ़ी लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएट है, और सबका बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं सबकी। आजमगढ़ में जहाँ भी आप रहती हैं, तो जिस जिस कॉलोनी में रहती हैं वहाँ पर भी समस्याओं का सामना करना पड़ना पड़ता होगा कि नहीं ये सर, हमें आर्केस्ट्रा वाली है या फिर ऐसा कभी कुछ? हमें किसी ने कुछ कहा नहीं, हालांकि वहाँ के लोग भी हमको दीदी ही बोलते हैं ना। किसी दुकान पे हमें कोई अभद्र भाषा किसी ने यूज़ किया, आना जाना रहना, लेट भी आना जाना होता है, नाइट में भी हम शो से आते हैं तो रोड पे ही हमने कभी कभी हम रोड पे ही लोग हमको छोड़ देते हैं, तो हम आधा किलोमीटर पैदल अंदर जाते हैं। कभी किसी ने हमको ऐसा कुछ नहीं कहा, बहुत अच्छे लोग हैं, उस कॉलोनी के लोग बहुत अच्छे हैं। कभी ऐसा निशा जी, कभी ऐसा मन में नहीं आया कि एक अपना लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ हम फिर अगली ज़िंदगी हंसी खुशी जिया जा सके? मुझे लगता है कि जिस जिस वक्त आप बता रहे हैं कि 15 साल की थी उस वक्त आप फील्ड में आई थी, और पिछले 10 साल से आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो ऐसा ऐसा कभी मन में नहीं आया कि अपना भी एक लाइफ पार्टनर हो? था लेकिन उसका नाम नहीं ले सकती, कभी शादी का ख्याल? शादी नहीं करनी। शादी करना ही नहीं है, आने वाले समय में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की, अकेले ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या लगता है कि होता है सर लेकिन नहीं करना। अभी घर परिवार को ही संभालना है? हाँ, जो आपकी बहन है उनकी शादी हो गई है? बड़ी सिस्टर की शादी हो गई है और छोटी वाली का नहीं हुआ है, छोटे भाई का, भाई है एक ही भाई है उसका हो गया, भाई सबसे छोटा, बहन से भी छोटा भाई है। अच्छा, अभी एक बहन की शादी नहीं हुई है, नहीं। छोटे भाई की शादी हो गई है, नहीं। तो घर आना जाना मतलब
होता रहता है। गांव में भी क्या, गांव में भी इस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं जो आम लड़कियों की तरह, जैसे कि कोई जानता नहीं है मुझे, ऐसा कोई जानता भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में तो बहुत आसान हो गया है वायरल होना, तो कहीं ना कहीं से लोग किसी को भनक लगी गई होगी कि हाँ। देखिए निशा जी, ये फील्ड जो है बहुत ही ऐसा नहीं है, इसी फील्ड से कभी कभी देखिए खेसारी लाल कभी एक ड्रामा पार्टी में काम करते थे, अब जानती होंगे उनको, और आज देखिए एक सुपरस्टार बन गए हैं। तमाम ऐसे कलाकार हैं जो छोटे पर्दे से होते होते बड़े पर्दे पे काम कर रहे हैं। तो अगर हिम्मत हौसला रखा जाए और मेहनत लगन से काम किया जाए तो एक अच्छा मुकाम मिल सकता है। ऐसा नहीं है, लोग इसे बना दिए हैं, लोग इसे गंदा बना दिए हैं, और पब्लिक जैसे डिमांड करती है उस तरह से लड़कियों को उनको फेस करना होता है, और तभी जा करके वो इसे, हमारे यहाँ की लड़कियाँ नहीं करती, यूपी बिहार की लड़कियाँ नहीं करती हैं, हमारे यूपी की लड़कियाँ नहीं करती हैं, बिहार की लड़कियों को तो हम जितने लोगों को आजमगढ़ में जानते हैं वो लड़कियाँ नहीं करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं। नहीं, जो बाहरी लड़कियाँ हैं जो उसकी वजह से यहाँ की लड़कियाँ जो इस फील्ड में काम कर रही हैं वो बदनाम है। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे कलाकारों को जो शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं या फिर शरीर का प्रदर्शन करके, अंग प्रदर्शन कर करके कमा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? ना करें, हमको भगवान, अगर सबको भगवान अगर जिसमें दिया है तो ढक के रखने के लिए दिया है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर पर्दा भी बनाया है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर उस तरीके से लोग काम करें तो वो पॉपुलर नहीं हो सकती है, कहाँ तक सही मानती हैं क्या इसको? हमारी किस्मत के ऊपर होता है, मेहनत के ऊपर होता है पॉपुलर होना। जो हीरो है क्या वो अपना कपड़ा उतार के पॉपुलर होते हैं? कभी नहीं होते हैं ना, वो तो कपड़ा पहन के ही पॉपुलर हो गए हैं। तो हमें भी तो सेम चीज़, सेम सोच रखना चाहिए, अगर हमें पॉपुलर होना है तो हम अपने मेहनत के ऊपर भी तो हो सकते हैं ना। मेहनत करें और अच्छे लोगों के साथ रहें, ऐसा नहीं है कि बस हम, बहुत ऐसे लोग हम इस यूज कर रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रही हैं, तो वो ये नहीं है कि बहुत बहुत हाई लेवल पे आपको ले ही जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये सब करने के बाद भी आगे नहीं गई हैं, वो सब कम से कम सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मैं सबको ये नहीं कहूँगी, वो अपनी अपनी सोच है, मैं मेरी सोच बता रही हूँ, मैं मेरी सोच बता रही हूँ, वो भाई सुनेंगे तो सब हमको गाली देंगे। सही बात है, आप कह रही हैं जो कि हाँ सही बता रही हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर इस आपकी तरह तमाम लड़कियां होंगी इस फील्ड में तो वो कहीं ना कहीं, बल्कि दुख दिखावे में किसी को बोल दे कि नहीं वो गलत बोल रही है, लेकिन अगर इसको अंदर से सोचा जाए, इस गंभीरता से इस बात को लिया जाए, तो मुझे लगता है कि लोग इसको गलत नहीं कहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा ना करें, मेहनत से काम करिए, लगन रखिए, हमारी किस्मत है उसे लड़िए, अंग प्रदर्शन ना करिए। आप लोग आ रही हैं, काम कर रही हैं, हम लोगों को भरपूर बेइज्जत कर रही हैं आप लोग। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। नीचा का मतलब पब्लिक आप लोगों को मांग रही है, आप लोग जा रही हैं ऐसा काम कर रही हैं, तो पब्लिक हमारे यहाँ की जितनी लड़कियाँ हैं उन सबको यही करने के लिए बोल रहे थे, हमारे यहाँ की लड़कियाँ नहीं कर पाएंगे, होगा ही नहीं ऐसा, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ निशा पांडे थी और ये जौनपुर की रहने वाली हैं। पिछले 10 वर्षों से ये आर्टिस्ट की दुनिया में काम कर रही हैं, कभी स्टेज प्रोग्राम तो कभी एल्बमों में भी इन्होंने काम किया, जैसा कि इन्होंने बताया। इस फील्ड में आने की बातें भी इन्होंने खुलकर के शेयर की है कि प्रॉब्लम थी, घर की स्थिति सही नहीं थी, पापा क्या कि एक्सीडेंट में कुछ दिनों तक उन्होंने ज़िंदगी से जंग लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे लगता है कि घर परिवार चलाने के लिए उस वक्त निशा के ही ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, और गलती से इन्होंने की बात ये भी कही कि शूटिंग के बहाने में उसको लाया गया और स्टेज प्रोग्राम करवाया गया। कुछ दिनों बाद इनको आभास हुआ कि मैं फंस चुकी हूँ और ये मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब उस फील्ड में जाने के बाद शायद वापस नहीं आ सकी, क्योंकि समय बीत चुका था और पिछले 10 वर्षों से ये कड़ी मेहनत कर रही हैं, और जो कुछ पैसे मिल रहे हैं उससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। शादी अभी नहीं हुई है, हालांकि अभी शादी करने का इनका इरादा भी नहीं है, लेकिन समय, हो सकता है कि आने वाले समय में इरादा चेंज हो और ये शादी कर ले। मैं तो कहूँगा कि एक लाइफ पार्टनर अपना हो जो आपके सुख दुख में शामिल हो, क्योंकि जब तक उम्र है तब तक तो कोई बात नहीं है,
लेकिन अगर जैसे उम्र ढल, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो उम्र हो, चाहे वो कोई सामान हो या फिर जिस्म हो, सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है। और जब वो एक्सपायर हो जाता है तो कोई पूछता नहीं है। ऐसे में हमारे बाल बच्चे ही हमको हमारे बुढ़ापे की लाठी होते हैं और सेवा करते हैं। लेकिन अगर निशा जी की अपनी विचार है, इनकी अपनी लाइफ है, क्यों शादी नहीं करना चाहती हैं, कोई प्रॉब्लम होगी, खुल के शेयर नहीं कर रही, क्योंकि दो बार मैंने क्वेश्चन किया और दोनों बार ये भी कही उन्होंने कहा कि शादी के बारे में कोई बात न की जाए, तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो ऐसी लड़कियों के साथ भदे कमेंट करते हैं, इनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, प्लीज़ ना उठाएँ। और बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं निशा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐसी लड़कियों को मजबूर ना की जाए और इनकी मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाया जाए। कैमरे के पीछे राकेश थे, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप देख रहे थे न्यूज़9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के चैनल को, सर के चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप सभी लोगों को प्रणाम, अगर कहीं बुरा बोली हूँ तो उसके लिए सॉरी और क्षमा चाहती हूँ। दिल की बहुत अच्छी हैं, बात के विचारों से लग रहा है, आपने सुना होगा, समझा होगा। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। अगर आप गर्ल्स या बॉय को किसी को बुरा लगेगा या किसी ऑर्गेनाइजर को बुरा लगेगा तो आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। वो आप लोगों की सोच है, जो मेरी सोच थी, जो मेरी सोच थी वो हमने आप लोगों से शेयर कर दिया, उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। शुक्रिया।